हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिश फ्राई बना रही हूँ और ये टूना मैंने लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने दो पीस टूना लिया है, तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के हिसाब से आप ऐड कीजिए। उसके बाद इसको ऐसे कर मिक्स कर लीजिए, उससे दोनों साइड में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए रख रही हूँ साइड में। मैंने अभी पैन लिया है, तो इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। 3-4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड किया मैंने। अच्छे से ऑयल को गर्म होने दीजिए, नहीं से नीचे फिश लग जाएगा कढ़ाई में। अच्छे से गर्म होने के बाद आप इसको फ्राई कर लीजिए। मीडियम स्टीम में कुक करना है, मीडियम टू लो करना है, उससे ज़्यादा मत कीजिए, तो अंदर से वो क्रिस्पी होगा तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। पहले मीडियम स्टीम में आप फ्राई कीजिए, तो उसके बाद एक साइड ऐसे उसका चेंज करके फिर आप लो में कुक कीजिएगा, क्योंकि अगर पहले ही लो दे देंगे तो वो भी चिपक जाएगा नीचे से। मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में अभी फ्राई कर रही हूँ। अभी मैं फ्लेम को लो कर दूंगी, पूरा लो। बहुत इजी है, इवनिंग टाइम के स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप कभी भी बना सकते हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये। थोड़ा सा फिश को ब्राउन करना है तो अच्छा लगता है खाने में। मैं अभी फिश को निकाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ऑयल है, अगर आपने ज़्यादा डाल दिया ऑयल तो आप एक कटोरी में निकाल के रख दीजिए, यही ऑयल आप फिश करी में डाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको निकाल रही हूँ ऑयल को। हाँ, मैं 1 टीस्पून निकाल रही हूँ यहाँ से। अभी इस ऑयल में मैं ये कैरेट छोड़ रही हूँ। इसमें इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि फिश का जो ऑयल है, तो आप इसमें फ्राई करने से इसका फिश का जो फ्लेवर है इसमें आ जाएगा। मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए, इसके बाद आप कैबेज छोड़ दीजिए इसमें। फिर मैंने ऑनियन रखा था एक मीडियम साइज, ये भी छोड़ रही हूँ। थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अभी फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए क्योंकि इसको सॉफ्ट नहीं कुक करना है, क्रंची रहना है इसमें। मैं मीडियम फ्लेम में कुक कर रही हूँ इसको। थ्री चिली मैंने 20 ऐसे कट कर लिया, थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ। मैंने फिश फ्राई के टाइम में मैंने चिल्ली ऐड नहीं किया, अगर आप फिश फ्राई के टाइम में चिल्ली ऐड करते हैं तो चिल्ली पाउडर ऑयल में डालते ही जल जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई चिल्ली पाउडर यूज़ नहीं कर रही। इसको हल्का सा सॉटे कर रही हूँ। मैं इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई चिल्ली पाउडर या चिल्ली फ्लेक्स कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ, अभी मैं प्लेटिंग करूँगी इसका। ये फिश रेडी है, इसके साथ आप एक चटनी मैंने बनाया, ये चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में।
अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ विजिट कीजिए मेरा YouTube चैनल में, वहाँ मैं अपलोड करूँगी। तो अगर आप चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये देखिए ये चटनी मैंने बनाया है, ये चिली चटनी है, ये बहुत टेस्टी है। 1 month तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने जैसे 1 month, ये 15 days हो गया ऑलरेडी, एक बोतल हम लोग ने ख़त्म भी कर लिया, ये नेक्स्ट बोतल है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत तीखा है, तो इसलिए मैंने कोई पाउडर चिल्ली या कुछ भी मैंने तीखा नहीं डाला, तो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी है और बहुत तीखा है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको भी अपलोड करूँगी। ये है फिश फ्राई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।